कहाँ गई थी आप फुफो को मिलने गई थी। सुबह सुबह कहाँ गई थी आप सुबह सुबह? फुफो को मिलने गई थी। ये बन गया जी पराठा। बजड़ को जो है वो फुल नींद आई हुई थी और माशाल्लाह से वो सो गई है। यहाँ पर उनके लंच बॉक्स चेक करनी है, उन्होंने खा लिया भाई, ये फिनिश है जी। तो अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने खाना वगैरह भी खा। अच्छा, और हया आपके पास 4 पेंसिल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको जो है वो अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको जो है आपकी जो है वो तमाम नेक हजात को जो है वो पूरा करे। और जो लोग हमें देश परदेश से देख रहे हैं उनको भी जो है वो अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमतों के साए में रखे और उनके ऊपर भी जो है वो अपना फजल करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी जो है वो अल्लाह पाक जो है वो खुश रखें और वो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ जो है वो आज के व्लॉग का जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। तो आज जो है वो 23 रमज़ानुल मुबारक है माशाल्लाह से, और सहरी का टाइम हो चुका है। मैं उठ गई थी और आज जो है वो माशाल्लाह से फजर ने कहा कि मैंने भी आज जो है ना सहरी करनी है, तो वो भी हमारे साथ ही उठ गई है। तो अभी जो है वो असद के पास है और मैं चलती हूँ किचन में और चल के सहरी बनाती हूँ। पापा भी माशाल्लाह से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और असद भी उठ चुके हैं, और फजर का तो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी जो है वो उठ चुकी है। तो अभी चलते हैं किचन में और फिर सहरी बनाते हैं। और अभी जो है वो सहरी का टाइम हो चुका है, माशाल्लाह से हम लोग उठ चुके हैं और पापा चले गए हैं फजर को लेके बाहर, क्योंकि फजर जो है ना वो उठ गई थी और उसने तंग करना स्टार्ट कर दिया था। आ गई है बाहर से, वो आई है। अच्छा, ये उधर पप्पो की तरफ चली गई थी। कहाँ गई थी आप? पप्पो को मिलने गई थी सुबह सुबह। कहाँ गई थी आप सुबह सुबह? पप्पो को मिलने गई थी। अच्छा, और यहाँ पर मैं सहरी बना रही हूँ माशाल्लाह से, और रोटी थोड़ी सी जो है वो यहाँ से साइड से फट गई है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वो चाय बन रही है और इधर जो है वो हलीम गरम कर रही हूँ। ये बन गया जी पराठा। अभी सहरी कटते हैं, क्योंकि सहरी तो बना ली है, अब इसको कटते हैं। और आज पापा जो है ना वो सहन में बैठ के सहरी कर रहे हैं। पापा इधर ही इजी हैं आप? अब प्याज मैं 2 बजे उठ गया था ना पूरे। अच्छा अच्छा, तो मैंने सबको पढ़ लिया जी। पढ़ो हो गए हम क्या? 3 मिनट तो अच्छे। अच्छा, ये था दबू की फ्रेंड, नींद इसको फुल आई हुई है मैडम को। ये देखिए जी, आज माशाल्लाह से 23 रमजान और मुबारक हो गया। यहाँ पे हया और आयशा के जो है वो मैंने यूनिफॉर्म रात को वॉश कर लिए थे, अब इनको प्रेस करती हूँ। जी, तो अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने खाना वगैरह भी खा लिया है। और अब जो है ना जो बर्तन हुए हैं उनके लंच बॉक्सेस और जो प्लेट्स वगैरह हुई हैं वो मैं वॉश करने लगी हूँ। तो अभी वॉश करके उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। आज तो बच्चे ने सुरमा पहन लिया। बच्चे आज आपके मम्मा ने चुमा बना दिया था। झूले ले रही हो बच्चे? हिचकी ने तंग कर दिया आपको? हाँ, हिचकी ने तंग कर दिया आपको? अच्छा, सुने आपने?
ओए अभी आपको निन्नी भी आई हुई है और आपको हिचकी भी आ गई है। मेरी बेटी तो बहुत परेशान हो गई है। आप यहाँ अस्पारा पढ़ने चली गई हैं? बजड़ को जो है वो फुल नींद आई हुई थी और माशाल्लाह से वो सो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है वो मैं आयजा की ज्योमेट्री बुक्स चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको डेली बेसिस पे जो है वो चेक करना होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कोई पता नहीं होता। अपनी कोई चीज़ किसी को दे आए, अपनी किसी की कोई चीज़ अपने बैग में रख के ले आए, फ्रेंड्स आपस में कर लेती हैं ना यूँ स्कूल्स में। तो अभी मैंने इसकी ज्योमेट्री बुक्स चेक की है, इसके पास 3 पेंसिल्स मैंने इसको दी थी कल, और अभी इसके पास जो है वो एक है। अभी आएगी तो मैं पूछती हूँ, इस पारा पढ़ के आती है तो फिर मैं पूछती हूँ इसको। और यहाँ पर हया का बैग चेक करती हूँ, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स चेक करती हूँ, कहाँ गई इसकी ज्योमेट्री बॉक्स। मोबाइल के साथ वीडियो बनाना और काम करना आसान नहीं होता, और ये जो लोग कहते हैं ना ये व्लॉगिंग बहुत आसान है, उनको नहीं पता कि ये कितना मुश्किल काम है। और ये देखें जी, हया मैडम के काम देख लें, उसको मैंने 2 पेंसिल्स दी थी और एक उसने खुद रख ली है, और एक आई थिंक इसके पास आयजा की है। अभी आती हैं तो इनसे बात करती हूँ, इनकी ज्योमेट्री बुक्स अभी मैं यहाँ ही रखती हूँ ताकि इनको पता चले कि वाकई मामा ने चेक किया था, क्योंकि मैंने इनसे कहा था मैं डेली चेक करूँगी। और वो जी फजर की कैटा देख रही है मुझे। आया आयजा, आप लोगों ने आप लोगों की ज्योमेट्री बुक्स मैंने चेक किए हैं अभी दोनों के, तो उसमें जो है आपका हया आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, और आयजा आपको मैंने कल 3 पेंसिल्स दी थी, आपके पास एक क्यों है? हाँ आयजा की, आयजा से मैं पूछ रही हूँ फर्स्ट। आयजा आप बताओ, आपके पास 3 पेंसिल्स थी, अब आपके पास एक क्यों है? आपकी 2 कहाँ गई? मेरी 2 है, हया के बैग में चली गई है। आपने खुद रखी है या मिस्टेकनली चली गई है? मिस्टेकनली। अच्छा, और हया आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी अपनी पेंसिल्स अपने अपने पास रखनी है, नेक्स्ट टाइम आपने प्लीज इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, ओके? क्योंकि इस तरह कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैग में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक भी पेंसिल ना हो, और फिर आप कैसे करोगी अपना वर्क, अपना क्लास वर्क कैसे करोगी बेटा? इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा पेंसिल्स दी थी कि अगर आपके पास ख़राब हो जाए या आपके पास ना हो तो आप कर लोगी उसके साथ मैनेज, ठीक है ना? ओके ओके। और आज मुझे आप अपनी डायरी दिखाएं, आप लोगों को क्या लेसन मिले हैं दिखाएं मुझे, शो मी योर डायरी। मैथ्स का है सबसे पहले राइट टेबल ऑफ 2 और 3 ऑन नोटबुक। है आपने करना है मैथ का टेबल 2 और 3 ऑन नोटबुक, ठीक है? मैथ की नोटबुक निकालें और अपना टेबल लिखना स्टार्ट करें, राइट करें जल्दी से। गुड गर्ल। आयजा आपकी डायरी कहाँ है? और ये फजर मैडम भी जो है यहाँ पर बातें कर रही हैं। फजर फजर किसके साथ बातें कर रही हो आप? आप किसके साथ बातें कर रही थी अभी बताओ, आप किसके साथ बातें कर रही थी गंदी बच्ची? आया आप इधर आ जाओ, कॉट पे आ जाओ। ओके